पिछले साल बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में रविवार को पुलिस पर ही आरोप लगने शुरू हो गए। आज सुबह पुलिस ने मृतक इंस्पेक्टर के सीओजी मोबाइल को 1 महीने 23 दिन बाद इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी प्रशांत नट के घर से बरामद करने का दावा किया था। वहीं प्रशांत के परिजनों का आरोप है कि पुलिस परिवार को अकेला, कमजोर और निर्धन समझकर बेवजह फंसाने में लगी है। बता दें कि सयाना इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में प्रशांत नट फिलहाल जेल में है। से तब भी नहीं था वहाँ पे फोन, तो अचानक ही कहाँ से आ गया, पुलिस वालों के अंदर जाते ही फोन कहाँ से आ गया। वो उन्होंने खुद ही फोन रखा है हमारा, खुद ही मेरे पति को फंसाया जा रहा है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया, उन्हें फंसाया जा रहा है, पुलिस वाले ही फंसा रहे हैं। रिवॉल्वर भी उन पे ही है, पुलिस वालों पे ही, और ये भी सब बेफजूल सब गरीबों को, हमें गरीबों को मार रहे हैं। ये वो जो कुछ हुआ है वहाँ भी उसको ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ आधा। कितने पुलिस वाले आए थे? सारा घेर लिया, सारा खरंजा एकदम सारा घर घेर लिया जी, और हमें तो बोलन ना दिया। ऐसे फोन दो तो इस तरह के, ये सैमसंग के, वो डबल सिम है, ये सिग्नल ठीक है जी, एक माइक्रो मैक्स है, इसी साइज का फोन है जी, हमारे काले काले फोन जी, मम्मी है जी। अच्छा, माता जी ने बोलते हैं। अच्छा, और हमारे एक एक फोन माइक्रो मैक्स का है और एक थोड़ा सा चौड़ा है, इसे डबल में है सैमसंग। नहीं नहीं, जो कह रहे हैं कि भाई इंस्पेक्टर का सुबोध का जो फोन था, वो फोन हमारा नहीं थे, सबने मन इनका नहीं सुनो, और ये बोले वो फोन हमारा नहीं था, ठीक है। और एकदम भीतर को पड़ गए, एकदम कई तो औरत बनी है पुलिस वाली। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लिया और तलाशी ली, तलाशी में सफलता मिली हम लोगों को, और वो जो सीओजी मोबाइल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी का था वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और उसमें आगे की कार्रवाई की। सर, कुछ और भी मोबाइल बरामद हुए? सर जी, और भी मोबाइल बरामद हुए हैं, उन मोबाइल के बारे में भी पहचान करने का, यूज़ करने का, किसके मोबाइल हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और बाकी आगे भी जो फैक्ट्स प्रकाश में आएंगे उनके